नमस्ते दोस्तों, फोरंती देवी मीणा, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जन समर्थन पार्टी। तो इसका आज का एक लेख पढ़ेंगे, ठेका पड़ता बंद करके समान कार्यालय के लिए समान वेतन लागू करने हेतु। केंद्र सरकार, आप सभी को पता ही होगा, सरकारी विभागों में या फिर राज्य सरकार हो, कर्मचारियों को ठेका पर भर्ती कर दी है। तो उसको प्रथा को बंद करने हेतु और उन्हें नियमित कर्मचारी की तरह नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु जो दिशा निर्देश जारी करे या फिर बनाए, उनके ऊपर एक लेख लिखा है। काफ़ी अच्छा लेख है, फूरंती देवी मीणा का, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जन समर्थन पार्टी से बिलोंग करती है। तो पूरी खबर को हम इस तरह से एनालिसिस करेंगे ताकि जो जानकारी है आपको मिल सके, अच्छी खबर है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों में केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सरकार के विभागों और उनके अधीन आने वाले उपक्रमों में कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति देने की बजाय ठेके पर लगाया जा रहा है, जो कि संविधान समस्त प्रावधानों के विरुद्ध है। दोस्तों, भारत के संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए सुनिश्चित कार्यप्रणाली का उल्लेख किया गया है, जिससे समाज और देश में सामाजिक और आर्थिक समानता बनाई जा सके। इसका मतलब ये है, अपने संविधान में रूल्स बनाए गए हैं वो सारे, जैसे एक रूल अपने सभी नर्सिंग वैकेंसियों में चलता है, समान कार्य समान वेतन। यदि आगे बढ़े तो जिससे समाज और देश में सामाजिक और आर्थिक समानता बनाई जा सके, यह सामाजिक और आर्थिक समानता नागरिकों के जीवन यापन की आज़ादी और शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में व्याख्या की गई है, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 19 में किए गए प्रावधानों को देखा जा सकता है। यदि आप संविधान पढ़ो तो उसके अनुच्छेद 19 में इसका प्रावधान भी दिया गया है। इसी के साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 23 में भी की गई है। संविधान में बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाई गई है, देख सकते हो आप। बंधुआ मजदूरी दोस्तों वही होती है जो ठेका पद्धति चलती है, जो अपने नर्सिंग में भी ठेका पद्धति चलती है। बंधुआ मजदूरी को व्याख्यित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि यह केवल शारीरिक या वैधानिक दबाव ही नहीं, बल्कि यह दबाव आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी उपजाऊ माना जा सकता है। यानी इसका मतलब यह है, काफ़ी लोगों को एक तरह से वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं ले पाते तो वो उनके सामने मजबूरी हो जाती है ठेका पद्धति में काम करने हेतु। एक लालच भी इसके पीछे हो सकता है कि बोनस के आधार पर हम परमानेंट हो सके, या फिर अपनी जो मजबूरी होती है पैसा ना होने के कारण। चले आगे पढ़ते हैं, जिसके दबाव में मजदूर शोषण पूर्ण व्यवस्था में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और उपक्रमों तथा रक्षा उत्पादन इकाइयों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाए तो यह पता चलता है कि सरकार ने स्वयं ही इस भावना का अनादर किया है। यानी सरकार भी मानती है कि ये गलत है, लेकिन क्या करें। लेख को आगे बढ़ाने से पहले आपसे बोलना चाहता हूँ, आपके कुछ विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार रखें इसके ऊपर। चले आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण युवाओं के शोषण मुक्त जीवन यापन के तौर तरीकों के चुनाव की आज़ादी छीन ली है। स्पष्ट करने के लिए यह कहना होगा कि इन दिनों शासकीय विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों की तैनाती कराई जाती है, जिसमें लेन देन के व्यापक बातचीत के पश्चात ही युवाओं को काम करने का जो है मौका दिया जाता है, ठीक है, अवसर दिया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ठेके पर काम करने वाले लोग बहुत कम वेतन पाते हैं, यानी जो ठेके पर काम करते हैं वो तो कम वेतन पाते हैं, जबकि उन्हीं पदों पर अगर नियमित रूप से हम कार्य करने वाले अधिकारियों को देखें, कर्मचारियों को देखें, पदस्थ सरकारी कर्मचारी, वो अच्छी सैलरी पाते हैं। यानी जैसे कोई वैकेंसी हुई नर्सिंग की ही, मान लो कोई ठेके पर लगा हुआ है तो उसको मिलेंगे 9,000, और नर्सिंग के उसी पद पर यदि कोई नियमित लगा हुआ है तो उसको मिलेंगे 260,000-270,000। ये ऐसा कार्य चलता है अपने राजस्थान में। अगर अदर जिलों से, अदर राज्यों से यदि कोई अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहा है, वो अपने विचार जरूर रखें इस कमेंट बॉक्स में हमारे। देखिए, लेख अच्छा लगा इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए। चलिए बात करेंगे, जबकि उन्हीं पदों पर नियमित रूप से पदस्थ सरकारी कर्मचारी अच्छी सैलरी पाकर कार्य करते हैं, यह व्यवस्था समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के भी विरुद्ध है और इसने बंधुआ मजदूरों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है। उदाहरण के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ को ठेके पर सरकारी विभागों द्वारा न्यूनतम मजदूरी देकर लगभग 12,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से कार्य पर लगाया जाता है और उनसे हर तरह के कार्य कराए जाते हैं, जबकि उन्हीं विभागों में उसी कार्य को करने के लिए जो शासकीय कर्मचारी तैनात है उन्हें 40,000 मिलते हैं। वही नर्सिंग वाला हाल है, बिल्कुल मल्टीटास्क में भी प्रतिमा तक दिया जाता है। यह स्थिति केवल मल्टीटास्किंग स्टाफ में ही नहीं है, देखिए साफ साफ इसमें कहा गया है, बल्कि सरकार के विभिन्न पदों और कैडरों पर अधिकारी स्तर तक लोगों के ठेके पर कॉन्ट्रैक्ट या प्रतिदिन के हिसाब से रखा जाता है, सभी की है। इसको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 ए और अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। दोस्तों, संविधान में अपने नियम बनाए हुए हैं, अनुच्छेद भी बने हुए हैं, एक है 19 और एक 23 है, ये बिल्कुल उसके विरुद्ध है। ठेके पर नहीं लिए जाना चाहिए, इसकी जगह नियमित भर्ती निकालनी चाहिए, ठीक है। संविधान भी इसके खिलाफ है तो क्यों ये ठेका पद्धति वाली हम जो है एक तरह से वैकेंसी निकालते हैं या ठेके पर लेते हैं।
चलिए बात करेंगे इस पर। जैसा कि अवगत, देखिए आपके विचार जरूर रखिए, आपके विचार जानना काफ़ी जो है आवश्यक हो जाता है। जैसे कि अवगत है कि भारत के संविधान द्वारा देश को लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य बनाने की व्यवस्था की गई है, किंतु यह व्यवस्था पिछले 3 दशक से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाकर छिन्नभिन्न कर दी गई है, जो कि बहुत चिंताजनक है। सरकार ने विभिन्न स्तरों पर यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि शासकीय व्यय में कटौती करना आवश्यक होने के कारण सरकार द्वारा कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही। अब देखिए रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, ये बोल रहे हैं कुछ कटौती करने के लिए भर्ती नहीं की जाए, लेकिन जब बात चुने हुए माननीय सदस्यों के बारे में आती है तो उनकी पेंशन और अन्य सुविधाओं के बारे में आती है तो सरकार को किसी भी प्रकार के धन की बचत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और बहुत ही उदारतापूर्वक धन व्यय किया जाता है। अगर आज़ादी के पश्चात आज तक विभिन्न विधानमंडलों और देखिए अभी मैं इसको समझाऊंगा शॉर्टकट में, संसद के सदनों के लिए चुने गए मनोनीत सभी सदस्यों की गिनती करके उनकी पेंशन पर होने वाले व्यय का आकलन किया जाए तो यह एक बड़ी राशि होगी। दोस्तों काफ़ी अच्छा लेख लिखा ये बोल रही है जो अपने सदस्य सदन संसद के सदन के सदस्य होते हैं, यदि उनकी पेंशन, उनके ऊपर खर्चा, उनकी सैलरी को मिलाया जाए तो ये बहुत बड़ी राशि हो जाती है जो एक तरह से बिल्कुल निरर्थक है, कोई जिसका अर्थ नहीं है। ठीक है, ये राशि को इनको अपनी नौकरियों की तरफ, अपने शिक्षा की तरफ खर्च करना चाहिए। काफ़ी अच्छा लेख है इसलिए मैंने वीडियो बनाना आवश्यक समझा। चलिए बात करते हैं आगे। जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कहीं कम नहीं होगी, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार के पास धन की कमी की बजाय इच्छा शक्ति की कमी है। क्या बात है, चलिए बात करते हैं। जिसके कारण सरकार उस शिक्षित प्रशिक्षित युवाओं को उनके लिए उपयुक्त रोजगार देने की बजाय ठेके की पट्टा लगाकर उनका शोषण कर रही है, जो संविधान की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। संविधान के उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा की गई कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के बिल्कुल विपरीत है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि लोगों की आँखें खुलें और जो जानकारी हम देना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं, वो बच्चे बच्चे तक पहुँचे। चलिए बात करते हैं। मेरा मानना है, आगे पढ़ेंगे हम, कि व्यवस्था को न्याय संगत बनाने के लिए केंद्र सरकार को आदेश निर्गत करके केंद्र, राज्य और उनके अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों और रक्षा उत्पादन इकाइयों के अंतर्गत ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करके उन्हें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ और सुविधाएँ प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करें, तभी हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर संविधान का सम्मान कर पाएंगे। और यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि जिस प्रकार सरकार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना चला रही है, उसी प्रकार केंद्र और राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान सुनिश्चित करें। अच्छी बात कही उन्होंने, क्योंकि जो सदस्य होते हैं अपने सदन के और संसद के या विधानसभा के, उनके लोगों को तो जो है मिल जाती है पेंशन, सैलरी, अच्छा वेतन, लेकिन जो है ये सरकारी कर्मचारी जो थे उनको रिटायरमेंट के बाद नहीं मिल पाती काफ़ी सुविधा। तो ये एक अच्छा इन्होंने सुझाव दिया, एक अच्छी इन्होंने सलाह दी। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे। प्रावधान सुनिश्चित करें क्योंकि देखा गया है कि जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास पेंशन की सुविधा नहीं है, उनकी संख्या वेला में उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, उनके संतान भी उन्हें नकार देती है, इसलिए सरकार को इस विषय में चिंतन करना आवश्यक है। देश के राष्ट्रपति को इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश देकर सरकारी विभागों में कर्मचारियों की ठेका पर भर्ती तथा बंद कराकर उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करना चाहिए ताकि जनहित में यह निर्णय न्याय संगत हो। फुरंती देवी मीणा का इस लेख के बारे में आपके क्या विचार है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। काफ़ी अच्छा मेरे तरफ से इन्होंने विचार रखा, मैं अच्छा समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें मांगी उठाई, ठेका पर पद्धति बंद करने के लिए, नियमित करने के लिए जो लग गए और बाकी आगे से बंद करने के लिए। ठीक है, और बाकी अपने जो संसद में सदन होते हैं उनकी पेंशन वेंशन जो भी खर्च होता है बिना काम का, उसके ऊपर भी इन्होंने अच्छा लेख लिखा। वृद्धावस्था में पेंशन नहीं मिलती, उसके कारण क्या क्या समस्या होती है, उनके ऊपर भी इन्होंने अच्छा लेख लिखा। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने लेख लिखा और हमने भी इसको काफ़ी अच्छा उजागर करने के तहत वीडियो बनाई। केंद्र सरकार सरकारी विभागों में कर्मचारियों की ठेका पर भर्ती प्रथा बंद कर उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश जारी करें, ऐसा इनका मानना है। ये थे दोस्तों ठेका पर्ता बंद करके समान कार्य के लिए समान वेतन लागू हो, जो कि सभी राज्यों में लगभग बहुत सारे राज्यों में ये चालू हो गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। आपके क्या विचार है इस संबंध में, वीडियो में जरूर रखें आप।